पठन पाठन के सहभागी मेरी नमस्ते स्वीकार करें आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या सैंतीस वाक्य कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें क्रिया न कर्ता के अनुसार रहती है न कर्म के अनुसार अर्थात वे एक अन्य रूप में रहती है एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में रहती है अर्थात तटस्थ रहती है न कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार आज हम वैसे ही वाक्य पे चर्चा करेंगे देखते हैं कि कौन ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया न कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है वह सिर्फ एक बचन अन्य पुरुष पुलिंग रूप में होती है वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है वाक्य में जब कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति युक्त हों या कर्म अनिश्चित हो तो क्रिया एक बचन पुलिंग अन्य पुरुष में होती है जैसे उसने लड़का को पीटा अब देखिए यहाँ पर कौन पीटा तो उसने उसने यहाँ पर करता है जो कि विभक्ति युक्त है और लड़का किसको पीटा तो लड़का को पीटा इसलिए लड़का भी विभक्ति भी युक्त है कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति युक्त है इसीलिए क्रिया एक बचन पुलिंग अन्य पुरुष में होगी देखिए ये पीटा जो है सो तो एक बचन पुलिंग का प्रतीक है अर्थात अन्य पुरुष में है अन्य वाक्य हम ले सकते हैं पिताजी ने पूछा क्या पूछा कोई जवाब नहीं है इसीलिए इसमें कर्म तो है ही नहीं किंतु कौन पूछा तो पिताजी ने तो पिताजी यहाँ पर करता है किंतु इसमें विभक्ति लगी हुई है इसीलिए इस वाक्य की जो क्रिया होगी वह एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में होगी पूछा आप पूछा जो है आकारांत जो है सो एक वचन पुलिंग का प्रतीक है अन्य पुरुष में अब इससे संबंधित हम थोड़ा विस्तार रूप से चर्चा करते हैं कि क्रिया का तटस्थ रूप किस प्रकार होता है नियम एक में यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म भी विभक्ति युक्त हो तो क्रिया हमेशा एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में होती है जैसे महिला ने महिला को देखा कौन देखा तो महिला ने महिला यहां पर जो है सो करता है और इसमें विभक्ति लगी हुई है इसीलिए इस महिला के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी अब देखा में किसको या क्या लगा के प्रश्न करते हैं तो किसको देखा तो उत्तर है महिला को तो महिला कर्म है और इसमें विभक्ति लगी हुई है इसीलिए इसके महि इस महिला के भी लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी तो जब कर्ता और कर्म दोनों में विभक्ति लगी हुई हो तो क्रिया एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में होती है इसीलिए देखा आकारांत जो है वह एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष का रूप है आ जो हुआ एक वचन पुलिंग का रूप हुआ अन्य पुरुष का हुआ उस तरह से लड़कों ने लड़कियों को देखा कौन देखा तो लड़कों ने लड़का यहाँ पर विभक्ति युक्त है इसीलिए इसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी किसको देखा तो लड़कियों को तो लड़कियों को भी इसमें विभक्ति लगी हुई है इसीलिए क्रिया एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में होगी आकारांत जो है सो देखा आकारांत जो है वह एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष का प्रतीक है इन्हें भी देखिए अर्थात देखिए राम ने सीता को हंसाया देखिए हंसाया यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि हस, सीता को हंसाने का काम राम कर रहा है यानी सीता को हंसने के लिए प्रेरित कर रहा है राम इसीलिए यहाँ पर हंसाया जो है वह प्रेरणार्थक क्रिया है किंतु यहाँ पर राम ने राम के साथ भी विभक्ति लगी हुई है और सीता के साथ भी विभक्ति लगी हुई है इसीलिए क्रिया जो है न राम के लिंग और वचन के अनुसार होगी न सीता के तो क्या होगी एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में होगी वहीं पर यहाँ पर दिया है हंसाया हसाया हाँ, जो है आकारांत जो है वो है, पुलिंग एक वचन का प्रतीक है अन्य पुरुष का हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए वेलाइकन स्पर्श करें उसी तरह से लड़कों ने लड़कियों को रुलाया कौन रुलाया तो लड़कों ने यहाँ पर लड़कों जो है सो युक्त है ने चिन्ह से युक्त है यानी विभक्ति युक्त है और लड़कियों को किसको रुलाया तो लड़कियों को ये लड़कियों को विभक्ति से युक्त है इसीलिए ये रुलाया जो प्रेरणार्थक ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है न लड़कों के अनुसार के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार होगी और न लड़कियों के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार होगी तो किस रूप में होगी चूंकि इस दोनों में विभक्ति लगी हुई है इसीलिए यह एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में होगी यहां देखिए रुलाया आकार जो है एक वचन पुलिंग अन्य पुरुष में इसीलिए यहां पर ध्यातव्य में दिया गया है उसी बात को ध्यातव्य में दिया है कि यदि वाक्य के कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति युक्त हों चाहे वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया ही क्यों ना हो तब भी वह एक बचन अन्य पुरुष पुलिंग रूप में होगी वही बात यह है वाक्य में भले ही प्रेरणार्थक क्रिया आई हो यदि विभक्ति युक्त कर्ता के साथ कर्म भी विभक्ति युक्त हो तो क्रिया एक बचन पुलिंग अन्य पुरुष में होगी